अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। मैं इस वक्त विर्गो वालों को बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका ये हफ़्ता जो कि 3 से 9 नवंबर का है, ये आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। जैसा कि आपका मेरा तारुफ़, एक एस्ट्रोलॉजर का, एक जेम थेरापिस्ट का और एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का। स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी के हवाले से मैंने लास्ट वीक अपनी वीडियोज़ में बताया था कि इंशाल्लाह रबी लवल की सादतों को और इसकी रहमतों और बरकतों और नेमतों को समेटने के लिए मैं आपको कुछ ख़ास अमल जो है इसके हवाले से ज़रूर बताऊँगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ उसके मतलब भी बात होगी। इसके अलावा आपको मैं बताऊँगा कि जोहरा जो कि बुर्ज कॉस में जा चुका है, जायचे के चौथे घर में आपके जा चुका है, इसके क्या असरात आपके ऊपर आएंगे, क्या पॉजिटिविटी आपको जो है वो मिल सकेगी, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो कि आपके जायचे के तीसरे में हुई है, इसके क्या असरात आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सियारे सियारगान में जो भी अहम चीज़ें तब्दीलियां इस हफ़्ते की होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर हमारा आ रहा होता है इसके ऊपर पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आपको जो है वो बर वक्त मिल सकें। विर्गोस, आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अहम, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है ये अब 31 से रेट्रोग्रेड हो गया, और 3 तारीख से ये जब हफ्ता स्टार्ट होगा तब तक मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, और मरकरी बड़ी तेज़ी के साथ अपने असरात जो है वो आपके ऊपर मुरतब करता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल थॉट्स को और आपकी मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब करती है, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें मनफी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डेवलप शुरू हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाएंगे, तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मरकरी जो कि आपके कैरियर रोज़गार से भी मुतल्लिक है, आपकी मदर, आपके सॉरी आपकी मदर इन लॉ और आपके फादर, ये भी आपके जायचे के 10वें घर से मुतल्लिक हैं, और इस मैटर को भी जो है वो मरकरी ही रूल करता है। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि आप इस मामले को बड़ी ही तहम्मुल और बुर्दबारी से लेके चलें। मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये एमरल्ड वेयर कर लीजिए, अगर आप एमरल्ड वेयर नहीं कर सकते आप जो है वो पेरिडो वेयर कर लीजिए, ग्रीन टोपाज वेयर कर लीजिए या फिरोज़ा वेयर कर लीजिए, ये तमाम चीज़ें आपके लिए इस वक्त ज़रूरी होगी। और इसी हवाले से मैंने लास्ट मंथ आपको बताया था कि ब्लेसिंग्स ऑफ रबी लवल, इसके हवाले से हमने 12% ऑफ अपनी जो वेबसाइट है javajems.com उसके ऊपर अनाउंस किया है आपके लिए, बहुत सारे लोग ऑर्डर दे चुके, तो अभी तक अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बेहतरीन वक्त का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, 12% बिल्कुल फ्लैट ऑफ है, तमाम चीज़ों के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हर बुध आधा किलो मूंग साबत का सदका दें तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो रेमेडी हो सकती है। इसके अलावा आपको बेहद एहतियात करनी है अपनी तहरीर और तकरीर में, स्पेशली बहन भाई अजीज़ो कारब के साथ आपको गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी है, वहाँ से कुछ नेगेटिव रोल जो है वो प्ले किया जा सकता है, कोई गलत स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन आपने इसको तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ टैकल करना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप टैकल नहीं करते, परवरदिगार ने आपको बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है, तो अपने इन सलाहियतों को बरकरार लाते हुए तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। आम हालात में तो तमाम लोग कर लेते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब हालात मुश्किल हों और आपको संभल के चलना हो, तो अब आपके इम्तहान का टाइम है और उम्मीद करता हूँ आप इस इम्तहान से बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्टिल डिस्टर्ब नज़र आ रही है, आपके आपके खाना माल का हाकिम सैयारा ये जो है बुर्ज कॉस में चला गया चौथे घर में, क्योंकि ये अभी भी हजीज़ में है, लेकिन चौथा घर जो है वो आपके मामलात में बहुत अहमियत का हामिल जो है वो माना जाता है। तो अब अखराजात में तेज़ी, मरीख का वबाल, खाना माल में अखराजात में तेज़ी और ये तमाम चीज़ें आपको माली बहरान से जो है वो दो चार कर सकती हैं, तो आपको हर कदम जो है बहुत सोच समझ के और संभल संभल के जो है उठाना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि घर के ऊपर आपके अखराजात कुछ ज़्यादा ना हो, आपकी जो तवज्जो है वो घर की तज़ीन और आराइश की तरफ ज़्यादा चली जाएगी, और ये चीज़ आपके अखराजात में
इजाफे का बाइस बन सकती है, वरना इसके अलावा घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपके सवारी और जगह की तब्दीली के लिए माहौल बहुत अच्छा है। एन मुमकिन है कि आप इसी के ऊपर कुछ जो है वो अखराजात करें, लेकिन एग्रीमेंट करते वक्त आपको स्टेटमेंट्स को, अपनी तहरीर को, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना है। आपके बच्चे, आपकी सेहत, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की, आपके इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना, आपकी मंगनी, आपकी जॉब, आपके मुलाजमीन, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी चल रही हैं और स्मूथ रहेंगी इंशाल्लाह। तमाम ये हफ़्ता आपका बेहतरीन गुजरेगा। शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हैं, उसकी वजह से मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके घर का माहौल जो है वो काफ़ी बैलेंस होता नज़र आ रहा है, लेकिन इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी थॉट्स को लाजमी तौर पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो अब गलत स्टेटमेंट्स, गलत चीज़ें आपकी तरफ से आ सकती हैं, इसको एहतियात के साथ चलाइएगा ताकि आपके मामला जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इस हफ्ते में भी आपको जो है कहीं से फिर दोबारा ऑफ़र हो सकती है पार्टनरशिप की, आप इसको ज़रूर वेल कर सकेंगे। आपके आठवें घर का हाकिम सियारा मरीख, जो कि मैंने बताया वबाल में है आपके खाना माल में, तो इसकी वजह से आपके मुश्तरक माली मामलात और वरासती मामलात दोनों ही जो है मामलात खटाई का शिकार हुए पड़े हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक अच्छा वक्त है, बैरून मुल्क सफ़र के लिए एक अच्छा वक्त है, सोशली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस हफ्ते में उनकी आमद आपके घर में भी मतवक़ है और इस तरह ये मामला काफ़ी बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे थे या हायर एजुकेशन ले रहे थे विरगो के लोग, उनके लिए हालात अब पहले से कदरे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ग्रेजुअली अगले हफ्ते और फिर उससे अगले हफ्ते ये और मज़ीद बेहतर होते चले जाएँगे। आपके कैरियर रोज़गार, ये बहुत अहम चीज़ है। इस वक्त आपके कैरियर का हाकिम सियारा जो कि मरकरी है, मैंने बताया कि रेट्रोग्रेड है, तो किसी भी नए एग्रीमेंट से आपको गुरेज करना है और आपको बहुत एहतियात के साथ इस मामले को लेकर चलना है। किसी भी नए एग्रीमेंट से गुरेज कीजिएगा, जॉब आपको ऑफ़र हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं इस वक्त अगर आप जॉब स्विच करके अगली तरफ जाएंगे, जो भी एग्रीमेंट करेंगे ये 20 नवंबर तक वो एग्रीमेंट आपको पूरा नहीं मिलेगा। कई लोग मेरे पास ऐसे तरह के आते हैं कि वो एग्रीमेंट हुआ था लेकिन हमें जो है वो चीज़ें नहीं मिल सकी, या इस वक्त अगर आप किसी ऐसे एग्रीमेंट की शक्ल में जाएंगे कि आपको बाद में जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये जो है बिल्कुल फेक होगा। आपको यहाँ पे इस झांसे में बिल्कुल नहीं आना और कोशिश कीजिएगा कि नई इन्वेस्टमेंट भी ना हो। आप अगर अपना बिज़नेस करते हैं तो भी आपको बहुत ही एहतियात की जो है वो ज़रूरत होगी। इसके अलावा वालदा के मदर इन लॉ के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं कुछ इख्तलाफात की नज़र हो सकते हैं, आपके वालिद के साथ आपके ताल्लुकात कुछ डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों को आपको बड़ी ही एहतियात के साथ चलाना है और जो अब पहले से जारी मनसूबे जाते हैं उसमें भी कुछ डिले का आंसर जो है वो गालिब होगा, लेकिन तहम्मुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता इनको पूरा करने की कोशिश करें, ना कि आप इसको ड्रॉप कर दें और किसी नई साइड पर जो है वो मूव करें। दोस्त साहब आपके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नज़र आ रहे हैं और सबसे अहम चीज़ आपका इमिग्रेशन, आपका बैरून मुल्क क़याम, इसके हवाले से अच्छी पोजीशन है। आपके बारहवें घर का हाकिम सैयारा आपके जायके के तीसरे रहते हुए तजवीज़ की नज़र से आपके ताले को देख रहा है और ये एक अच्छी पोजीशन जो है वो बन रही है। इसमें अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें इस हफ़्ते में तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बैरून मुल्क मुकीम रहते हो, सवारी और जगह की तब्दीली जो है वो भी कर सकते हैं। आपके लिए मैंने बताया था कि इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक जो रूहानी तोहफा है वो भी ज़रूर दिया जाएगा। तो इस महीने का जो स्पेशल चीज़ है वो है सात सलाम। ये बड़े मशहूर सलाम है और आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, या आप हमें व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन में हमारे होंगे, तमाम जगहों पे ये सात सलाम जो है वो मौजूद होंगे। ये जो सात सलाम हैं ये कलामुल्ला में हैं, परवरदिगार ने ये सलाम पेश किए हैं और यकीनन ये एक अहम चीज़ है। स्पिरिचुअली जो लोग थोड़ा सा भी शुद्ध बुद्ध रखते हैं उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना हुआ है। इसके कुल आदाद जो हैं वो 6174 हैं, तो चूंकि आप पूरा तो किसी सूरत नहीं इसको कर सकते, इसलिए हम ये करते होते हैं कि उसके लिए एक नक्श मुरतब कर लेते हैं और फिर मिनिमम जो तादाद है उसकी तरफ आ जाते हैं।
तो अगर आप नकुश के फन से वाकिफ़ हैं तो इसका एक नक्श मुरबा अच्छी चाल से जो है उसको लिख लीजिए और फिर उसको पास रख के पढ़िए। अगर आपके पास ऐसी अहलियत नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप हमसे तलब कर सकते हैं, ये नक्श ये मिल जाएगा आपको। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये अफोर्ड नहीं करते, तो कम से कम 80 मरतबा रोज़ाना जो है ये दुआ पढ़ना आप अपना मामूल रखिए। अव्वल व आखिर 17 मरतबा दुरूद पाक पूरे अहतमाम के साथ, पाकीज़गी के साथ आपने इसको पढ़ना है। बग़ैर पाकीज़गी के आप इसको नहीं पढ़ सकते। स्पेशली ख़वातीन को बहुत ही एहतियात के साथ ये मामले को लेके चलना है। और जब भी इसकी सादतें और रहमतें और बरकतें हासिल करें तो अपने साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने बड़ा ही मुख्तसर सा अमल बताया है ताकि आप इसको डेली बेसिस पे जो है वो करते चले जाएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।